नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। नाइजीरिया सेना के हेलीकॉप्टर को डाकुओं ने मार गिराया, इसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। डाकुओं द्वारा हमले के बाद यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि नाइजीरिया के उत्तरी मध्य क्षेत्र में बंदूकधारियों की गोलीबारी के बाद सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे उसमें सवार लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही भयानक ये घटना घटी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। हालांकि मरने वालों की संख्या अभी नहीं बताई गई है। ये घटना सोमवार को उस वक्त हुई जब इस हेलीकॉप्टर को एक अन्य हमले के बाद सैन्य कर्मियों के बचाव के लिए भेजा गया था। नाइजीरिया की वायुसेना ने कहा कि MI-171 हेलीकॉप्टर नाइजीरिया राज्य में हताहत हुए लोगों की निकासी के मिशन पर था। नाइजीरिया डाकुओं के हमले से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। वायुसेना ने कहा कि दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है। इस घटना में हताहतों की संख्या का विवरण नहीं दिया गया है। इलाके के निवासियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि राज्य के सिरोरो जिले में डाकुओं ने हेलीकॉप्टर को तब निशाना बनाया जब एक अन्य हमले में घायल सैनिकों को ले जा रहा था। डाकुओं के गिरोह में ज़्यादातर पूर्ण चरवाहे हैं, जिन्होंने भूमि और दोस्तों पानी तक सीमित पहुंच को लेकर कई दशकों तक कृषक समुदायों के साथ संघर्ष के बाद हथियार उठा लिया है। वहीं दोस्तों एक अन्य रिपोर्ट में बताया जाता है कि 26 सैनिकों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं, उनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, यानी कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बहुत ही बड़ी बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है।